सो हे व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं गेटिंग स्टार्टेड विद डेटाप्लेक्स चैलेंज लैब का। तो यार पासवर्ड को कॉपी कर लेना, कॉन्सोल को जो है इनकॉग्निटो में ओपन कर लेना, यूजर नेम जो है आप लोग लिखा जाएगा एंटर प्रेस कर देना, देन पासवर्ड को यहाँ पे पेस्ट कर देना, एंटर दबा देना, देन आई अंडरस्टैंड पे आपको क्लिक कर देना है। काफी बार आता है, काफी बार नहीं आता है, इस बार मेरे केस में नहीं आया है, ठीक है। एन एग्रीन कंटिन्यू भी नहीं आएगा फिर, ठीक है। आपको आया होगा तो एग्रीन कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, देन इधर से मुझे क्लाउड शेल को एक्टिवेट कर लेना है, ये मैंने एक्टिवेट कर लिया है। साइज में इसकी इंक्रीज कर देता हूँ। अब डिस्क्रिप्शन में गेटअप कोड की लिंक मिल रही होगी, उस कोड को एक्सेस कर लेना, देन चैनल सीरियल पे क्लिक करना, नीचे स्क्रोल करना, इस पर्टिकुलर चीज को कॉपी कर लेना, ठीक है, ये पर्टिकुलर चीज को कॉपी कर लेना, देन अगेन उस कोड पे आ जाना है। ये मैंने कोड रखा हुआ है ओपन, यहाँ पे आपको रीजन की जगह पे इसको पेस्ट करना है और सिर्फ आपको जो है यहाँ तक के पार्ट को जो है कॉपी कर लेना है। ये मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद जो इस साइड पे आ जाएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे, ऑथोराइज करने का आएगा, ऑथोराइज पे क्लिक कर देना। ये जो है इसको एग्जीक्यूट हो जाने दो, जैसे ही ये एग्जीक्यूट होता है मैं आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ। सो यार ये जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अब नॉर्मली इस लिंक पे क्लिक करना, कंट्रोल दबा के माउस से टैप करोगे तो एक नया टैब यहाँ पे ओपन हो जाएगा, इसको ओपन हो जाने दो। तब तक बैक आ जाओ, बैक आके नीचे स्क्रॉल करना स्टार्ट करो, टास्क वन पे चेक में प्रोग्रेस पे क्लिक करना स्टार्ट करो, टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा बिना किसी इशू के, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करते हैं, टास्क टू पे चेक में प्रोग्रेस पे क्लिक करा, अलग जो टास्क है भी आपका कंप्लीट हो जाएगा बिना किसी इशू के। टास्क थ्री पे चलते हैं, टास्क थ्री हमें अभी करना है डन, ठीक है। सो अब आपको करना क्या है, नॉर्मली अगेन आ जाना है इस लैब पे। लैब पे आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से टैग टेम्पलेट और टैग आईडी दिख रही होगी, ठीक है। इधर आ जाओ आप। इधर आने के बाद अब आपको करना क्या है, तो आपको जो है यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज पे कॉपी कर लेना है। ये मैंने कॉपी कर लिया एंड देन आपको इधर आ जाना है, इसको जो है यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ये एज इट इज रहने देना है, ठीक है। देन अगेन बैक आ जाना है। बैक आने के बाद जो है एक सेकेंड, इधर आ जाना है एंड इधर आ जाना है, ओके। देन आपको लोकेशन जो है रीजन गिवन इन द लैब, ठीक है, आपको लैब में दिया गया रीजन को स्टार्ट यूज करना है। तो मैं अगेन ऊपर स्क्रॉल करता हूँ एंड ऊपर स्क्रॉल करने के बाद मेरे को यूएस ईस्ट वन दिया गया रीजन, ठीक है, आपको आपका सिलेक्ट करना है। सो मैं जो इधर आ जाता हूँ, यूएस ईस्ट वन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये रहा मेरा, आपको आपका सिलेक्ट करना है। देन अगेन इधर आ जाना है, देन आपको क्या करना है, देन क्लिक ऐड फील्ड, देन क्लिक ऐड फील्ड, इधर आ जाते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं, क्लिक ऐड फील्ड पर हमने क्लिक कर दिया, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे फील्ड का नेम क्या रखना है, इधर आ जाओ। फील्ड का नेम जो है हमें इस पर्टिकुलर चीज़ को कॉपी कर लेना है एंड ये हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद जो है इस सेट पर आ जाएंगे, पेस्ट कर देंगे, आपको यहाँ पे आईडी ऑटोमेटिकली लिखी आ जाएगी। देन अगेन बैक आ जाएंगे, देन आपको जो है वैल्यू वन को वाई लिखना है और वैल्यू टू को एन लिखना है, ओके। सो मैं इधर आ जाता हूँ, इधर जो है नीचे स्क्रॉल करते एंड इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, नंबर इटरेट को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। वैल्यू वन को आपको लिखना है वाई एंड कैपिटल वाई लिखना है, ठीक है, एंड एड वैल्यू टू को मेरे को लिखना है एन, ठीक है। नाउ डन पे आई थिंक हमें क्लिक कर देना है एंड या क्लिक क्रिएट, इसको डन पे क्लिक करो एंड क्रिएट पे क्लिक करो, इसको जो है क्रिएट हो जाने दो। जैसे ये क्रिएट होगा अब हमें क्या करना है, क्लिक सर्च फ्रॉम लेफ्ट साइड मेन्यू, क्लिक क्लोज बटन एंड क्लिक चेकबॉक्स ऑन द डेटाप्लेक्स इन द फिल्टर, ओके। सो ये हम कर लेते हैं फटाफट, मैं आपको बता दूं क्या करना है हमें, ओके। सो ये एक बार जो है बन गया है हमारा ऑलमोस्ट एंड या इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हमें करना क्या है, ठीक है, सो हमें जो है यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करना है। सर्च बटन पे जैसे ही क्लिक करा ऐसा कुछ आ जाएगा, इसको जो है आपको डू नॉट शो मी अगेन पे क्लिक कर देना है एंड गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दो यार, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, आपको जो है इस पर्टिकुलर चीज डेटाप्लेक्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो जिस टाइप का आपका जो है चीजें आ जाएगी, यहाँ पे आपको रॉ इवेंट डेटा पे क्लिक कर देना है, ये मैंने क्लिक कर दिया है एंड ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसको जो है ओपन हो जाने दो कम्प्लीटली। यहाँ पे जो है आपको ऐसा ऑप्शन आएगा अटैच टैग का, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे हमें क्लिक करना है एंड यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, ओके पे क्लिक कर देना है एंड फिल इन टैग वैल्यू, टैग वैल्यू पर हमें क्लिक करना है वाई एंड या आप देख सकते हो वाई एंड नाउ सेव पे हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। सो ये जो काम है ये भी हमारा डन हो जाएगा बिना किसी इशू के एंड नाउ हम गुड टू गो है। हमारी लैब जो है चेक में प्रोग्रेस पे हम क्लिक कर देते हैं, हमारा जो टास्क है वो भी कंप्लीट हो गया है बिना किसी इशू के। अपडेट होने में टाइम लगेगा, सो डोंट वरी, ओके। सो ये मैं क्लिक करता हूँ अगेन, ये हो गया टास्क कंप्लीट, और कुछ करने की जरूरत नहीं। आई होप वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर